ये कहानी है एक ऐसी युवत की जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी की फिजिकल डिजायर्स पूरी नहीं कर पाता, जिस वजह से वो युवत अपने नौकर के साथ अपना फिजिकल डिजायर पूरा करती है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1981 में आई रोमांस ड्रामा मूवी लेडी जेंटलमैनली लवर को। मूवी की शुरुआत घोड़ों की रेस देखते हैं और इस रेस को किले नाम का एक आदमी जीत जाता है। वो अपनी पत्नी क्रिस्टल को ये खुशखबरी देता है कि वो ये रेस जीत चुका है और इसी खुशी में आज उनके घर में पार्टी होगी। रात में किले अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहा होता है, तभी उन्हें खबर मिलती है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जंग छिड़ गई है। इस वजह से अगले ही सुबह किले को जंग में जाना पड़ता है, लेकिन वो उस जंग में बुरी तरह घायल हो जाता है, जिस वजह से वो अब विकलांग और नपुंसक बन गया है और इसलिए अब वो हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहता है और क्रिस्टल उसका ख्याल रखती है। किले से बेड पर अब कुछ हो नहीं पाता था, इसलिए क्रिस्टल की शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन किले क्रिस्टल से कहता है कि तुम मेरे लिए अपनी लाइफ खराब मत करो। किले कहता है कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, इसलिए अगर तुम्हें कोई आदमी पसंद आता है तो तुम उसके साथ शारीरिक डिजायर पूरी कर सकती हो, इस पर मुझे कोई एतवाज नहीं होगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उनका कोई बच्चा होता है तो वो उसको अपना बाविस बनाएगा। तभी वहाँ उनका गेट कीपर ओलिवर आता है। किले ओलिवर से कहता है कि मुझे घर के अंदर छोड़ दो। ओलिवर को क्रिस्टल एक ही नजर में पसंद आ जाती है और जब वो जा रहा होता है तो वो मुड़ मुड़ कर क्रिस्टल को देख रहा होता है। एक दिन किले की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए वो लुत्फबंद डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर के बदले एक नर्स आती है जिसका नाम मिस बॉल्टन था, जो क्लेफर्ट का इलाज करने लगती है। तभी क्ले क्रिस्टल से कहता है कि तुम ओलिवर के पास जाओ और उससे पूछो कि घोड़े ठीक है या नहीं। तो कोनी ना चाहते हुए भी घोड़ों के अस्तबल में जाती है, जहां वो देखती है कि ओलिवर अपने कपड़े उतार कर नहा रहा होता है। ओलिवर को ऐसी हालत में देखकर कोनी को कुछ कुछ होने लगता है और वो बस उसकी बॉडी को देखती ही रह जाती है और उससे बिना मिले ही वहां से चली जाती है। और जब वो घर जाती है तो क्ले के पूछने पर वो बताती है कि उसे ओलिवर मिला ही नहीं। अब मिस बॉल्टन भी क्ले के ट्रीटमेंट के लिए वहीं रुक जाती है। रात में जब क्रिस्टल सोने जाती है तो उसे बार बार ओलिवर का ही ख्याल आता है। वो चाहकर भी उसे बुला नहीं पाती और वो उसके ख्यालों में खो जाती है और अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने लगती है। अगले दिन फिर किले उसको ओलिवर के पास भेजता है, लेकिन जब क्रिस्टल ओलिवर के पास जाती है तो वो उससे ठीक से बात नहीं करता। वो समझ जाता है कि क्रिस्टल उससे क्या चाहती है और वो नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई अफेयर हो, क्योंकि वो उनका एक आम नौकर था। इस वजह से क्रिस्टल वहां से चली जाती है। फिर अगली बार जब वो ओलिवर से मिलती है तो ओलिवर उसे अपने कोटेज की चाबी दे देता है और वो जब चाहे जानवरों को देखने आ सकती थी। और अब क्रिस्टल हर रोज ओलिवर के पास जाने लगी, वो बस ओलिवर को देखना चाहती थी। और ऐसे ही जब वो एक दिन ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उसे नन्हे चूजे दिखाता है, जिन देखकर वो रोने लगती है। तब से उनका कोई बच्चा नहीं था और किले की हालत देखकर ऐसा लग रहा था और अब होगा भी नहीं। तब ओलिवर उसके पास आता है और उसे सीने से लगा लेता है और दोनों कभी बा जाते हैं और वहीं पर मजदूरी करते हैं। लेकिन इसके बाद क्रिस्टल को काफी गिल्टी फील होता है और वो वहां से भागने लगती है। उसे वहाँ से भागते हुए मिस बॉल्टन भी देख लेती है। इसके बाद कई दिनों तक वो ओलिवर से नहीं मिलती और दूसरी तरफ ओलिवर भी क्रिस्टल को देखने के लिए तरस गया था। और एक दिन वो क्रिस्टल के घर आ जाता है इस उम्मीद में कि उसे एक बार क्रिस्टल दिख जाए। उसे क्रिस्टल तो नहीं दिखती, लेकिन उसे मिस बॉल्टन देख लेती है। एक दिन जब क्रिस्टल घर के बाहर बैठी थी तो ओलिवर उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है। क्रिस्टल कहती है कि नहीं। फिर ओलिवर उसे घर में ले जाता है और दोनों फिर से मजदूरी करते हैं। एक दिन ओलिवर किले के घर आता है, जहाँ क्रिस्टल उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ किले आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। ओलिवर कहता है कि उसने दो शिकारियों को पकड़ा है जो अवैध शिकार कर रहे थे। और यहाँ किले को ओलिवर और क्रिस्टल पर शक हो जाता है। किले कहता है कि उन शिकारियों पर मुकदमा चलाओ। इस पर क्रिस्टल कहती है कि उन्हें छोड़ दो। किले कहता है कि मैं एक शर्त पर उन्हें छोड़ सकता हूँ, अगर ओलिवर उन्हें पीटे तो, नहीं तो ओलिवर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और ओलिवर ना चाहते हुए भी उन दोनों को पीटता है। एक दिन जब क्रिस्टल ओलिवर से मिलने जाती है तो वो उसे बताती है कि उसे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर कहता है कि किले का क्या होगा। क्रिस्टल कहती है कि मैंने उससे बात की है, वो एक बच्चा और अपना वारिस चाहता है। और ओलिवर पूछता है कि क्या वो हमारे बारे में जानता है। इस पर क्रिस्टल कहती है कि नहीं और कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब उसे हमारे बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेगा, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और ओलिवर बच्चे के लिए मान जाता है और क्रिस्टल से कहता है कि तुम एक बात मेरे कॉटेज में बताओ। घर जाती है तो मिस बॉल्टन को उसके सिर पर एक घास का तिनका मिलता है और वो समझ जाती है कि क्रिस्टल और ओलिवर का अफेयर चल रहा है। इसके बाद भी क्रिस्टल ओलिवर से मिलना जारी रखती है और ओलिवर से कहती है कि मैं जरूर एक बात तुम्हारे साथ कॉटेज में बताऊंगी। और कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं क्लेफर्ड को नहीं छोड़ सकती, उसे मेरी जरूरत है। क्ले जानता है कि मुझे किसी की जरूरत है। ओलिवर कहता है कि अगर तुम उसे मेरे बारे में बताओगी तो तुम उसे हमेशा के लिए
खोदोगी। और कहता है कि मैं एक नौकर हूँ और वो कभी नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा उसका वारिस बने। और जब कूनी वापस आती है तो तब तक शाम ढल जाती है। क्लिफोर्ड उसे वापस आती हुए देख लेता है। क्रिस्टल उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्ली कहता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। लेकिन असल में उसे पता चल गया था कि क्रिस्टल और ओलिवर का अफेयर चल रहा है और इसलिए वो अगले दिन ओलिवर के पास जाता है। लेकिन ओलिवर अपने घर पर न होकर किले के घर के पास था। वो क्रिस्टल से कहता है कि तुम आज रात मेरे साथ बताओगी। और वहीं जानबूझकर किले अपनी गाड़ी को कीचड़ में फंसा देता है और वो क्रिस्टल को आवाज लगाता है। वो क्रिस्टल से कहता है कि तुम गाड़ी को धक्का लगाओ और वो क्रिस्टल पर कीचड़ उछालता है। इसके बाद वो ओलिवर को आवाज लगाता है और इसके साथ भी टीम वैसा ही करता है। उस बात किले के सो जाने के बाद क्रिस्टल ओलिवर के पास जाती है और दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ दोनों मजदूरी करते हैं। यह क्लिफोर्ड को रात में नींद नहीं आती और उसे लगता है कि क्रिस्टल घर पर नहीं है। और वो किसी तरह क्रिस्टल के कमरे तक पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि क्रिस्टल कमरे में नहीं थी। जब सुबह होती है तो क्ली क्रिस्टल को घर आते हुए देखता है। क्रिस्टल कहती है कि तुमने ही कहा था कि उसके लिए एक आदमी पसंद करो। क्लिफोर्ड कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम एक नौकर के साथ रिश्ता बनाओ। इसके बाद क्लिफोर्ड क्रिस्टल को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को काम से निकाल देता है। फिर जब वेनिस में क्रिस्टल अपनी सिस्टर के साथ होती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो फिर से क्ली के पास आ जाती है जहां उसे पता चलता है कि क्ली ने ओलिवर को काम से निकाल दिया है। तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है और वो ओलिवर को ढूंढ लेती है। वो ओलिवर को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उसके साथ रहना चाहती है और वो क्लिफोर्ड को छोड़ देगी। लेकिन ओलिवर कहता है कि तुम्हें एक बच्चा और क्ली को वारिस मिल गया है, तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन कूनी उसकी बात नहीं मानती। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे खेतों से अपना गुजारा कर सकते हैं और ओलिवर उसकी बात मान लेता है और यह मूवी खत्म होती है।